हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। टाइम हो चुका है दोपहर के 12। गुड मॉर्निंग नहीं हुई थी जी? नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। मुझे तो अभी मैं आपको टाइम बता दूं, 12 बज चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं पार्लर। पार्लर पे मैं अपनी कराऊंगी कटिंग, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, बाल में छोटे कराने जा रही हूँ गाइस। फाइनली बड़े बाल मेरे से नहीं संभल रहे, क्योंकि जिम में भी बहुत दिक्कत होती है, तो बाल छोटे करा के आऊंगी। और तो लास्ट टाइम मैंने D10 वगैरह तो कराई लिया था फेस पे, तो वो तो मैं कराऊंगी नहीं। ठीक है, फिर बाल तो पंचे क्यों लगवा लेती तुम अपने फिर पे डिजाइन बनवाने के लिए? से लगवा रखे हैं ये दो, उसको देख लो जरा पहले उधर, उसको देख लो जरा, ये देख लो जरा। इसको अलग अपनी डाइट की चिंता है, इसकी डाइट में ना कमी रह जाए कुछ। तूने देखा नहीं, यहाँ से सीधे इधर छलांग लगाई है भाई। क्या है ये? क्या है? क्या है ये? क्या नाटक है? क्या नाटक है? क्या नाटक है? कल पता क्या कर रहा था इसने? इधर चढ़ के बैठी थी इधर इसके ऊपर। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। क्यों आऊं? बाहर आओ। क्यों आऊं? पीछे पीछे जाने, पीछे जाने की कोशिश कर रही है। जाती नहीं है, बोलने की कोशिश। मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी। इसको पोटी वोटी तो नहीं, ले जा जा, गेट खोल दिया जा। सो चलो गाइस, फटाफट से हम तैयार होके जाते हैं पार्लर, फिर उसके बाद हमें जाना है शॉपिंग के लिए। सलून पे जा रहे हैं हम, सॉरी यार, सलून सलून, सॉरी सलून गाइस, सलून हे सलून सलून पे जा रहे गाइस। कल तेरी नाई की आ जाने वाली और तू जाएगी सलून पे। मार दिया ना। यार ये क्या बात है, जब मजाक सहन नहीं है तो करती क्यों है फिर? मेरे को ना हमेशा नहीं, ये ना मेरे दिमाग को ना दही बनाने के ना काम क्यों गाइस? मार दिया मेरे को, देखो हराम जादी कुत्ती। चलो गाइस बाय बाय गाइस, मिलते हैं सलून पे, सलून पे मिलते हैं गाइस, ओके बाय। अभी पता नहीं रिक्शा कहाँ से जाएगी, यहाँ से सीधे जाएगी या किसी को शूट करने ब्लॉग लेके। ये जो बजा के गए ना। सो गाइस फाइनली यशु ने अपने नेल्स करा लिए हैं, और उसकी रेसिपी भी मुझे पता चल चुकी है, सीक्रेट रेसिपी, सीक्रेट मसालों के साथ, जो आपको कभी ना कभी मेरे ब्लॉग चैनल पे देखने के लिए मिली जाएगी। और अभी मैम कह रही है कि मैं सोयाबीन बिरयानी बना के लेके आऊंगी, तो अभी अभी आप लोग यहाँ पे फिटनेस होकर नहीं लेके आए तो फिर कोई बात नहीं, देख लेना। नहीं जरूर 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 मैं खिलाऊंगी, लेकिन मजा बहुत आता है यार यहाँ पे ना इनके साथ, मतलब चीजें का काम बहुत अच्छा है, परफेक्शन है हर चीज में। मैं पूरा आपको दिखाऊंगी, एक मैं अभी मेरा बोटॉक्स का प्लान है, उसके बाद मैं पूरा इनका जो सलोन है लोकेशन इनका कार्ड मेंशन कर देंगे। तो अगर आप नहीं, पिछले वाले उसमें दिया दे दी थी लोकेशन, कोई बात नहीं, कॉल कर देंगे। तो अगर आप भी चाहते हो कराना ऐसे वाले खूबसूरत नाखून जो मेरे जितने खाते हैं वो आके करा सकते हो, और कमेंट बॉक्स में बता देना कैसे लग रहे हैं। मेरी कटिंग दिखा दे। अब तू हमेशा कटिंग यही रखता है ना, तो क्या कटिंग अलग कराई है इस बार? ओह माय गॉड, इस बार मेरे पति ज्यादा गंजा हुआ है गाइस, आप लोग देख सकते हो। देख, ये देखो यहाँ से देख, ये जो कैट ने निशान लगा रखा है इवेंट में जाने के लिए, थोड़ा सा और सजा लो इसको चेहरे को। दूर रहा करो यार, सीधे रखना है इसको, सीधा तो है ना, लड़कियों की तरह रख, थोड़ा लड़कियों की तरह कैसे रखते हैं, कैसे रखती है लड़की अपने हाथ, ऐसे रखती है? हाँ मतलब ये उंगलियां आनी चाहिए। वो सीरियस हो गए, वो वहां से लेंगे, उनके हाथ में कैमरा है। लो हाँ, तो फिर नेल्स दिखेंगे ना बारी। हाँ तो ये देखो, ये देखो गाइस, अंगूठा भी दिखा, अच्छा लग रहा है। मतलब ये वीडियो में कलर अलग आ रहा है, बट सामने से अलग कलर है, इसमें थोड़ा सा स्काई ब्लू तो नहीं बोलेंगे, ब्लू टाइप आ रहा है, ब्लूइश में है, पता नहीं कौन सा है यार, मतलब ब्लू ही है ये, मतलब ब्लू कलर है।
ब्लू से रिलेटेड है थोड़ा। कमेंट करके बता देना अगली बार कौन सा कलर कराएगी ये शू इसमें से, आप जो बोलोगे वो करा लेगी। हटाना हाथ, ये है ये वाला कलर है, ये वाला इसमें सही आ रहा है। चलो गाइस मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं एनर्जी के साथ। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं और मैं अपने नेल्स, और इससे पहले वाली वीडियो में मतलब वहाँ वाली वीडियो में आपने नोटिस किया होगा यशु के जो स्किन थी ना वो पील हो गई थी, मतलब कुछ लोग बोलेंगे इससे मैं पहले बता दूँ। अच्छा। तो वो अब देखो ठीक हो गई है क्योंकि वो सिर्फ पील हुई थी, वो मतलब बर्न नहीं हुई थी, वो सिर्फ पील हुई थी, लेकिन लास्ट टाइम तो वो बर्न ही हो गई थी लिटरली। और इसकी स्किन पे अब लेजर ही कराना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्किन बहुत पतली हो चुकी है, मतलब स्किन बहुत पतली है जिसकी वजह से स्किन निकलती है, पील होती है। आज भी दो तीन जगह से पील हुई है बट छोटे छोटे सेक्शंस में, ऐसा बर्न वाला नहीं है, तो वो होपफुली नाइट तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेन कंसर्न आज का जो है वो ये है गाइस, अभी हो सकता है एक डेढ़ घंटे में आप यहाँ पे हमारा बेड देखो, लेकिन हम आपको एक घंटे में दिखाएंगे नहीं क्योंकि दिखा भी सकते हैं। नहीं नहीं दिखा देंगे यार, दिखा देते अभी तो बहुत काम बाकी है इस कमरे में, तब तक कहाँ वेट करेंगे बेचारे, टाइम लग जाएगा सीरियसली क्योंकि हमने कुछ और भी पूरा प्लान कर रखा है। तो अभी अभी कॉल आया था फर्नीचर वाले का, तो उसने बोला कि एक से डेढ़ घंटे में वो डिलीवर करा देगा। उसके बाद मतलब मेरी तो, और हमने मैट्रेस भी चेंज किया है, हमारा जो है ना इसका साइज 5x5 है और हमारा जो 6x5 है, हाँ 6x5 5x6 है, तो जो हमने बेड लिया है वो लिया है 5x6 का। तो फिर अगर अपन 5x6 का बेड नहीं लेते तो फिर अपने को गद्दा यू नो फिर ये नहीं चल पाता, उल्टा बोल दिया, मतलब 5x6 का बेड ही था उनके पास। और अगर हम, मैं बताती हूँ रीजन क्या है, ये जो गद्दा है ये 5x6 का है ना, तो इसमें अगर आप नॉर्मली अगर बेड पे नहीं है वैसे लेट रहे हो ना तो ये खिसक जाता है, तो आपके पैर इक्वल रहते हैं, लेकिन अगर मतलब पैर हमारे छोटे आते हैं इस पे, इसीलिए हमें लगा कि अगर इसी गद्दे के हिसाब से बेड बन गया क्योंकि बेड तो दोबारा बनेगा नहीं, और वैसे भी हमें एक मैट्रेस चाहिए थे क्योंकि कभी स्टे वगैरह के लिए कोई आ जाता है तो फिर बेड का दिक्कत रहता है ना, एक बेड पे कितने लोग सोते क्योंकि क्वीन साइज बेड है, तो हमने किंग साइज बेड नहीं लिया यहाँ पे क्योंकि आपको पता है रूम तो बहुत ही छोटा है और हॉल में भी नहीं डाल सकते इतना, फिर कैसे कवर अप कर पाएंगे। तो बेसिकली आज हमारा बेड आ जाएगा एंड आप लोगों को भी देखने मिलेगा, एंड फाइनली आज रात हम लोग सुकून की चैन की नींद सोएंगे अपने बेड पे। तीन दिन इसको अपन यहाँ पे छोड़ के आएंगे, बेड की हालत खराब कर दी तो इसने, वो मेरे को नहीं पता वो। और गाइस जिसको नहीं पता है हम 3 दिन के लिए पुणे जा रहे हैं कॉन्सर्ट के लिए और बहुत मज़ा आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज हमें शॉपिंग के लिए जाना था लेकिन हम आज नहीं जा सकते, हम कल जाएंगे मॉर्निंग क्योंकि कल का ही दिन हमारे पास है क्योंकि परसों तो हम जा रहे हैं। यस, और ये क्या बोलते हैं साहिब का पूछ रहे थे कुछ लोग, तो साहिब को हम यहीं छोड़ के जाएंगे और यहाँ पे हमारे फ्रेंड रहेंगे। यस, तो ऐसे कोई टेंशन मत लो, हम पीछे सारा इंतजाम करके जाएंगे। और वो भी साहिब को बहुत प्यार करते हैं। यस, मतलब ऐसा भी मत समझना कि भाई, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की, हम वहाँ पे एक पेट फ्रेंडली होटल ढूंढ रहे थे लेकिन जो कि नहीं हो पाया इसी वजह से। और अभी कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकता है हमारे साथ भी चले जाए, तो अभी कुछ मैं कंफर्म नहीं करूंगी कि हो सकता है जा भी सकता है, हो सकता है ना भी जाए। यस, तो देखते हैं बाकी। ठीक है गाइस, तो इसके बाद अभी जब बेड आएगा फिर हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलो भाई। वो बेड आएगा तो अलमीरा की सेटिंग का क्या करना है ये देख लो, मेरे को तो कंधों में बहुत टूटे पड़े हैं मेरे। एक काम करेंगे, मुझे फोन करेगा जब लोड हो जाएगा ना, तो मुझे फोन करेगा, उससे पहले अपन हटा देंगे सारा। ओके, ठीक है। ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ भाई, मुझे डबल डबल काम पड़ेगा, तो हमारी गलती थोड़ी है। फिर कहते नहीं देखो गलती तो मेरी ही है, एक बार कहता ना कमीना ये चीज और मुंह फोड़ देती उसका सारी चीजें निकाल के, मैं क्या पैसा लेने में पड़ी, जल्दी आ गया आया तो तू अपने। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि यशल जहाँ होते हैं वहाँ पे हमेशा पोपट होता है, और हमारी तो जब भी कोई नई चीज आती है मतलब हमेशा पोपट पहले है यशल बाद में, हमेशा होता ही होता है। तो मैं बताती हूँ कि हुआ क्या है। ये है हमारा बेड, पहले तो देख लो आप पूरा, ये है टेबल, साइड टेबल एक, साइड टेबल टू। अब पहला पोपट तो ये हो गया कि ये टेबल यहाँ पे नहीं आ रही, और अभी ना ये स्टिकर्स लगे हैं यहाँ। हाँ, ये स्टिकर्स लगे हैं, पूरा व्हाइट है, ये हम हटा ही नहीं रहे हैं क्योंकि अभी क्योंकि अभी हम लोग 3 दिन के लिए जाएंगे, तो साहिब को यहाँ पे छोड़ के जाएंगे फ्रेंड के साथ। बट आपको पता है कि हम जिस तरह से मतलब देखते हैं कि भाई स्क्रैचेस ना मार दे, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि कैसे करना है। तो इसलिए हमें डर है कि ये स्क्रैच ना मार दे, इसलिए लगे रहेंगी चीजें और इस पर भी पन्नी अभी लगी रहेगी। अब दिक्कत क्या हुई है मैं आपको बताती हूँ। पहली दिक्कत तो ये हुई है कि इसका जो ये चीज देख रहे हो आप, ये गलत आ गया, मतलब इसमें ना बैंड आ रहा है। तो पहली दिक्कत तो ये आई है,
ठीक है। दूसरी दिक्कत ये आई है जो हमारा मैट्रेस था, हमारा जो बेड है वो है 5x6 का, हाँ 5x6 का, और जो मैट्रेस आ गई थी वो आ गई थी 5x6 की। और आज का झोल सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, जो हमारे दिल पे क्लेश है, हमने यहाँ से मेरा वहां शिफ्ट कराया। हाँ, एक चीज और, ये देखो, ये देखो, पैनिक हो रहे हैं ना, ये देखो पैनिक, अंदर भी दिखा दो, ये देखो, और ठीक है, और ये अलमीरा हमने यहाँ लगाई है, और अभी शॉपिंग करनी है हमें, अलमीरा यहाँ लगाई है, और ये सामान अभी एडजस्ट करना है। सही में दिमाग के ना बजी पड़ी है कसम से, और हाथों में जो पेन हो रहा है ना वो अलग, और अभी जिम जाना है वो अलग, और कल शॉपिंग, आज शॉपिंग तो हो ही नहीं पाई। बट अगर बेड यहाँ पे लग जाता ना तो ये पूरा भर जाता कमरा, बिल्कुल भी जगह ना बचती, ना बिल्कुल भी नहीं बचती जगह, इसको इतने मजे आ रहे हैं सही में। और ये देख लो अलमीरा बिल्कुल फिट आई है गाइज, यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से फिट आई है यहाँ पे अलमीरा। अब हमारे कपड़े यहाँ रहेंगे, बेडरूम हमने बाहर बना लिया, इसको पकड़ बाबू बाहर लेके चल, और एक चद्दर निकाल। सो गाइस फिलहाल वही पड़ी हुई है, अभी हम लोग जिम जा रहे हैं क्योंकि दिमाग तो खराब हो ही चुका है। अब आते ही जिम से हमें पहले सारा सामान अलमीरा में रखना है, उसके बाद हमें ये वाला मैट्रेस लगाना है यहाँ पे, या फिर ये मैट्रेस यहीं लगे रहने देंगे क्योंकि अभी इसका शायद बैंड हो रहा है, तो और ज्यादा दिक्कत ना हो जाए। नहीं, अब यहाँ पे नहीं सोएंगे, हाँ आज यहाँ पे नहीं सोएंगे, आज तो नीचे सोना पड़ेगा, आज हाँ आज भी कल भी, आज भी और कल भी नीचे सोना पड़ेगा। आएगा मंडे, उसने अभी जो जिससे मेरी बात हुई है, जो मैनेजर था उससे मेरी बात हुई है, उसने बोला कि मैंने बाय मिस्टेक जो प्रिंट मतलब उन्होंने टाइप करके भेजा होगा जो भी लैपटॉप से कंप्यूटर से जो भी है, तो उसने बाय मिस्टेक ना 6x5 का गद्दा टाइप कर दिया, वो बोल रहे टाइपिंग मिस्टेक होगी मुझसे, हाँ वही 5x6, तो ये 6.25 का, तो बस वही दिक्कत पड़ेगी हमारे दिमाग, हाँ लग गए ना, हमारे तो लग गए ना, घूम लो कोई दिक्कत नहीं है, तुम रेस्ट करो। तो चलो बट एक बात बता दूंगा इसमें आपको, जो मजा मतलब फर्नीचर में आना चाहिए ना वो मजा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या एडजस्टमेंट लग रहा है, ये भी सही में लकड़ी लगी नहीं है, बोर्ड नहीं है, बड़ी लकड़ी लगी नहीं रही, मतलब लग के काम जो लुधियाना वाला हमारा बेड था ना, मैं सही बता रहा हूँ, पैसे लगे हैं भले ही उसपे, लेकिन उसका जो फर्नीचर था ना बहुत शानदार फर्नीचर था, ये इसमें ये मजेदार नहीं है बिल्कुल भी, उसका कंपैरिजन किसी चीज से नहीं है। चलो निकलते हैं, फिलहाल बहुत लेट हो रहा है, मैं जिम के लिए, फिर आके मिलते हैं आपसे। पूरा जोश है भाई, गा रहे देखो कितने मस्त चल रहे, के साथ ही हम लोग घर से फिर निकल गए हैं, क्योंकि आज हम लोग घर पे पहुंचे थे कितने बजे, 11:20 पे पहुंचे थे घर पे, और अभी हम निकल गए हैं, 12:15 हो रहे हैं अभी, क्योंकि आज है कविश भाई का बर्थडे, तो हम लोग जा रहे हैं अभी। हमने केक नहीं लिया अभी, अभी हमने सिर्फ पेस्ट्री लिया क्योंकि वो भी नहीं खाते मीठा, और हम तो वैसे ही नहीं खा सकते, और खाने वाले 3 लोग हैं, हमने मतलब और घर पे कोई आ भी नहीं रहा मतलब इसको दे सके, तो हमने पेस्ट्री ले ली है छोटी सी क्यूट सी, हां तो ये हम सेलिब्रेट करेंगे, आप लोग देखना ठीक है, मतलब डेडिकेशन देख रहे हो, लेकिन जो इस टाइम पे हमारी हालत है ना, बस कोई नहीं जानता हमें, जान बजा रहा है, बेल नहीं बज रही।
1:20 हो रहे हैं और हम लोग जस्ट अभी अभी आए थे घर पे और अभी मैं जा रही हूँ नीचे डॉग्स को फूड डालने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखे हो रखे हैं वो पता नहीं जब हम लोग आ रहे थे हाँ तो जब हम लोग आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा पीछे पीछे आ रहे थे हमारे तो अभी मैं फूड लेके जा रही हूँ उनको डाल के आ रही हूँ फिर मिलते हैं आपसे चलो 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 फाइनली आ चुकी हूँ मैं फीड करा के अब आपको अंदर का हाल दिखा ये देखो अभी हमें ये समेटना है सारा